हाँ भाई, चलो होमवर्क डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ, होमवर्क क्या था अपना? स्टेट ओके okay। चलो डिस्कस ही तो करना है अपने को। बोलो, चैप्टर टू। एग्जाम्पल लाइन चैप्टर कौन सा? चैप्टर टू ना? हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज बुक टू नहीं, का पहले चैप्टर। पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते हैं बेटा। पर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज बोला था, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, याद आया, ट्रिग्नोमेट्री इन द सेकेंड क्लास ऑफ द वीक है ना? यस सर। हाँ, याद आ गया। ठीक है, थैंक यू। सीक्वेंस सीरीज पार्ट वन में कि पार्ट टू में स्टेट बोर्ड के? बुक टू बुक टू में है। ठीक है, पेज नंबर बताओ। 26 26। हाँ बोलो। चलो एग्जाम्पल लाइन, क्या हो एग्जाम्पल लाइन में? अच्छा मेरा आंसर मैच नहीं कर उन्होंने पूरा सॉल्व कर रखा है उन्होंने तो हर स्टेप पे आंसर मैच करो। तुमको मालूम है ना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? रहा। एक बार सॉल्व करके दिखाइए ना फिर भी। अरे देख ना, 8,000 रुपया है ठीक है, और तेरा इंटरेस्ट 8.8% है ठीक है, तो तेरा अमाउंट कितना हो जाएगा फिर एक साल के बाद? फर्स्ट ईयर के बाद पैसा कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस 8/100 इंटू 8,000 8,000 ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ? तो 8,000 इंटू 1 + 8/100, ये क्या आ गया पहले साल के एंड में इतना मनी। सेकेंड साल के एंड में क्या होगा? सेकेंड साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, और 8/100 जो और इस साल का प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे लगेगा इंटरेस्ट। चमक रहा है क्या? हाँ सर। तो कितना वापस से बताओ, 8,000 लिया, 1 + 8/100 का स्क्वायर हो गया ठीक है। तो ऐसे ही एन साल बाद क्या हो जाएगा? 1 + 8/100 इंटू पावर में एन। क्लियर है क्या? हाँ सर अभी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पूछो। बोलो, चलो डिस्कस करते। बोलो 2.1 एक्सरसाइज। सर एक मिनट कॉपी करना है। सर 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 याद नहीं यार, विदुषी याद है क्या? क्या लिखा था रे? क्या सर? जो फर्स्ट ईयर वाला था उसको प्रिंसिपल अमाउंट लिखा। सेकेंड 800, वो तो याद ही नहीं है क्या लिखा था। 1 + 8/100 शायद यही लिखा था। 1 + 8/100 तो 8,000 इंटू 1 + 8/100।
चलो भाई हाँ पेज नंबर बोलो कौन सा है 26 हो गया ना। हाँ चलो डाउट अभी होमवर्क चलो होमवर्क सब लोग पूछो भाई इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सॉल्व क्वेश्चन भी अच्छे थे बनाए होगे ना तो फील आ गई होगी बोलो 2.1 सर क्वेश्चन नंबर 14 किसका बेटा 2.1 का तो वही तो है ना वापस से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हर साल बढ़ रहे हैं और 200 मॉस्किटो थे तो पहले साल के बाद कितने मॉस्किटो रहेंगे बताओ 200 प्लस 10/100 × 200 ठीक है तो 200 × 1 + 10/100 तो सेकेंड साल के बाद कितने रहेंगे 200 × 1 + 10/100 प्रिंसिपल प्लस 10/100 × 200 × 1 + 10/100 कितना हो गया 200 × 1 + 10/100 का स्क्वायर चमक रहा है क्या हेलो सर ठीक है नेक्स्ट बोलो सर 6 किसका 2.1 का ही हाँ सर अरे तो पहले भी एनसीईआरटी आ चुका है 3 नंबर का सम 21 है सम ऑफ इसका ठीक है 3 नंबर ले लो AAR स्क्वायर क्या हो जाएगा A+AR + AR² कितना हो जाएगा 21 और A² + A² R² + A² R⁴ तुम्हारा कितना हो जाएगा अरे क्लियर है हाँ सर ठीक है अब बस कुछ नहीं करना है देखो ऐसा है कि यहां से a निकाल लो तो 1 + R + R² की वैल्यू 21 है और यहां से A² बाहर निकालो देखो पावर 4 है तो पावर 4 का फैक्टराइजेशन मैंने सिखा रखा है ठीक है तो अभी यहां पे A² को रिप्लेस कर दो A² कितना हो जाएगा बोलो 441 / अरे बोलो 1 + R + R² का होल स्क्वायर और इसको फैक्टराइज करने आता है कि नहीं आता है नहीं आता है तो कोई बात नहीं वापस सीख लो R⁴ + R² + 1 (2R² - R² ध्यान आया क्या R² + 1 ( 2R² - R² तो क्या आ गया R² - R + 1 (R² + R + 1) ठीक है क्या आ जाएगा R² - R + 1 (R² + R + 1) अरे क्लियर है क्या ये कट गया ना यस सर कितना आ गया बताओ 441 / 1 + R² × R² - R + 1 = 189 अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना सॉल्व कर लोगे यस सर सर ऐसा लेंगे तो चलेगा A/R, A, A R हाँ कोई अंतर नहीं पड़ता रे सब कुछ सेम ही होता है ठीक है कोई अंतर नहीं पड़ता है शायद उसमें आसानी से कट गया होगा हाँ सर उसे पावर 4 का फैक्टराइजेशन करना ही पड़ा होगा तुम लोगों को चलो नेक्स्ट बोलो सर 7 रैप करें क्या यस सर ये पहली एक्सरसाइज में जीपी का क्वेश्चन है एपी क्वेश्चन नहीं है क्या इस बुक में कौन सा करने के बोल रहे हो तुम सेवेंथ फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर सम ऑफ द मिडिल 2 नंबर्स इज 10/ बस क्या दिक्कत है रे इस सब में तुम लोगों को क्या दिक्कत है AAR, AR², AR³ दिमाग लगाने का ही नहीं है AR+ जो कह रहा है वो कर दो क्या कह रहा है सम दोनों का 10/3 है और सम ऑफ प्रोडक्ट जो है मिडिल टर्म्स का वो कितना है 1 है तो हो गया ना A² × R³ कितना है 1 दिया हुआ है यहां से A ×
आर प्लस आर स्क्वायर कितना है 10/3 है। अभी इन दोनों इक्वेशन से निकाल लेंगे ना, यहाँ पे ए स्क्वायर रिप्लेस कर दो, ए स्क्वायर कितना आएगा बोलो 1/r³। तो कितना हो जाएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/ अपने को उसका स्क्वायर कर देंगे ना, पर कितना आ जाएगा बताओ, यहां डाल दो a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो 100/9 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर क्यूब। आई होप चमक गया होगा इतना। तो 100r³ इज इक्वल टू 9r² इंटू 1+r का स्क्वायर, r² कट गया कितना आ गया 100r इज इक्वल टू 9 इंटू 1+r². अरे जिस स्टेप पे लगे कि बन जाएगा बोल दो ना, हाँ सर बन जाएगा। क्लियर है क्या अच्छे से ये? चलो नेक्स्ट बोलो। सर 2.1 सर आप थोड़ा साइड हो सकते हैं दिखने का। हाँ बेटा सर 2.2 का 9th क्वेश्चन। एक मिनट बेटा, आप लोगों ने जो बुक में सॉल्व क्वेश्चंस हैं बनाए हैं ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सॉल्व वाले, ठीक है, अच्छी बुक है। जब खुल जाए लॉकडाउन ना बुक खरीद लो, स्टेट बोर्ड की अच्छी बुक है। कुछ चैप्टर्स में स्टेट बोर्ड अच्छी है, कुछ चैप्टर्स में एनसीईआरटी अच्छी है। चलो ठीक है बोलो भाई 2.2 बोलो। 9th 2.2 में 9th, ये तो तुमने वो दिन पूछा था ना, मैंने ग्रुप पे बताया तो था, नहीं बना उससे नहीं समझा मैं तो वापस पूछती। चल ठीक है रब करें इसको। चलो देखो क्या है, ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, ध्यान है एसपी की पावर एन कुछ तो एस पी आर सम प्रोडक्ट सम। तो एस मान लो जीपी का सम ये है, देखो ए ए आर ए आर स्क्वायर ये जीपी का है, ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस क्या हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, ठीक है। पी क्या होगा ए इंटू, बताया था मैंने ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर अप टिल ए आर की पावर एन माइनस वन, तो कितना हो जाएगा ए की पावर एन आर की पावर वन प्लस टू अप टिल एन माइनस वन, कितना हो जाएगा ए की पावर, एनसीईआरटी में क्वेश्चन था याद आ रहा है ऐसा, पी इंटू एस इज इक्वल टू जी की पावर एन, कुछ तो था ऐसा क्वेश्चन एक, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये ध्यान आ गया पी आ गया, ठीक है। अभी आर, आर क्या है बताओ तो 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर, यही लिखा हुआ है आर है ना, तो इसका सब तो ये भी तो जीपी है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/a है, कॉमन रेशियो क्या है इसका 1/r है, तो 1/r की पावर n माइनस 1/1/r माइनस 1, यहां तक क्लियर है। तो आपके पास r r की वैल्यू कितनी आ गई 1/a इंटू आर की पावर n माइन, दिख रहा है ना बोर्ड, हाँ सर दिख रहा है, इंटू 1/r की पावर n माइनस 1, ये तुम्हारा आ गया r, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है s बाई आर की पावर n इज p स्क्वायर, ठीक है, तो s बाई आर निकालना है, तो s बाई आर निकाल लेते हैं। चलो बोलो s बाई आर कितना है, s बाई आर बताओ कितना होगा, s बाई आर ये तो पूरा टर्म कट जा रहा है ना, s बाई आर में तुम्हारा क्या हो रहा है ये तो पूरा हाँ a स्क्वायर बाय r की पावर n माइनस वन ऐसा आ गया है ना, yes, sir. और इसके पावर में n दिया हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है a की पावर में 2n n स्क्वायर माइनस n एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है। अब ये देखो तो इसका पी स्क्वायर ही तो है, पी स्क्वायर क्या होगा ए की पावर 2n इंटू आर की पावर n इंटू एन माइनस वन, चमका, हाँ सर, यस सर, सर एक मिनट कॉपी कर रहे हैं, हाँ कॉपी कर लो सर, ये कौन सा सम नंबर था, कौन डाउट कौन पूछ, डाउट कौन पूछा, डाउट किसने पूछा,
श्रावणी ने पूछा है क्या? नहीं सर। सर वो बॉक्स में क्या किया आपने? क्या क्या आर आर इज इक्वल टू वो लिखा ना 1/8 बॉक्स में सर नीचे। हाँ ये जीपी का सम है क्या? तो अच्छा नहीं नीचे वो हाँ समझा समझा सर समझा। नहीं मतलब क्लास में बैठे हुए हो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब तुम पूछ रहे हो सर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो थोड़ा तो बुरा लगेगा ना ये, मतलब भाई क्या चल रहा है। सर बोर्ड थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अरे यार ये सबको ब्लर दिख रहा है क्या? नहीं सर नहीं दिख रहा। तो आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम होगी फिर। हो गया ठीक है भाई। हाँ चलो 2.2 हो गया फिर सर। 13 अभी तो बोला 13 कर लो ना, अभी तो क्या 13 देखो ना यार, मतलब वही है ना कि 10,000 रुपए का तुमने लिखा लेट इट टेक एन ईयर्स, तो 10,000 इनटू अभी तो दो बार फॉर्मूला ड्राइव किया मैंने 1+8/100 की पावर एन, दिस शुड बी इक्वल टू 20,000। यही है ना क्वेश्चन, तो एन ईयर्स बाद उसका मनी कितना बन जाना चाहिए 20,000, अभी तो किया 10,000 रुपए है ना। अरे हाँ है ना। हाँ सो ठीक है, और दिया है ना देखो ना कितना आ गया, 2 आ गया ना ये, टू बी टू डबल दी मनी करना है ना, 2 कर दिया और यहाँ पे अपना आ जाएगा तो हो गया फिर 108/100 ये पावर एन, निकाल लो कितना आता है, कितने एन पे आएगा 2 सर? 10 कौन सा? 10th अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब कंफ्यूज अच्छा है यहाँ पर एस एन एस टू एन S3N ठीक है, क्या प्रूफ करना है वेरीफाई करना है SN S3N माइनस S2N इज इक्वल्स टू S2N माइनस SN का होल स्क्वायर, ठीक है? तो कुछ करना नहीं है बेटा, देख SN को लिख दे A इंटू R की पावर N माइनस 1/R-1 ठीक है, ठीक है। S2N को क्या लिख देगी? S2N को क्या लिख देगी? A into R की पावर 2N-1/R-1 ठीक है, और तेरा S3N क्या हो जाएगा? A into R की पावर 3N-1/R-1 बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है, अभी बहुत सिंपल सी बात है कि जो दिया हुआ है उसमें पुट कर दो। अरे तो ना घर में कीड़े हो रहे हैं यार, ठीक है तो S3N क्या करूं मैं इसको, S3N-S2N क्या होगा बताओ? S3N-S2N बोलो कितना होगा? A by R माइनस वन है ना इंटू R की पावर 3N-R की पावर 2N ठीक है, R की पावर 2N बाहर आ गया तो क्या लिखा है? R की पावर N माइनस 1 यहां तक क्लियर है? अभी इसको मल्टीप्लाई कर देना है SN से, तो SN इंटू S3N-S दो स्टेप्स कहा गया है ना वो लिखते रहो बस, तो SN का वैल्यू तो है तुम्हारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, कितना बन गया? A स्क्वायर
r की पावर 2n बाई r माइनस 1 का स्क्वायर इंटू आर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? ठीक है, अब देख एस टू एन माइनस एस एन क्या होगा, एस टू एन माइनस एस एन क्या होगा, देख एस टू एन माइनस एस एन देखो क्या होगा, बोलो a बाई आर माइनस 1 आर की पावर 2n माइनस आर की पावर n, तो a आर की पावर n बाई आर माइनस 1 इंटू आर एन माइनस 1। क्लियर है? इसका स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, देखो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 2n आर माइनस 1 का स्क्वायर आर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या? यस यस सर, सभी को क्लियर है इतना अच्छे से? कॉपी करो, कॉपी करो। सर ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उसने उसमें आपने जितना किया उतना मुझे भी आया, लेकिन उन्होंने मतलब दिया है कि 1.08 की पावर 5 इज इक्वल टू 1.47, तो फिर उसको कैसे यूज करेंगे? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, 2 इज इक्वल टू 1.08 की पावर 100 की पावर n, तो ये थोड़ी ना आएगा, तो ये तो हम इसका उसका यूज तो मतलब उन्होंने 1.08 की पावर 5 को दे रखा है, तो 1.47 का, अच्छा इसलिए दे रखा है ना कि देखो ना 1.47 का स्क्वायर कितना होगा, देखो निकाल 1.47 का स्क्वायर तेरा कितना, देख आई थिंक 2 आ जाएगा, चेक कर। हाँ सर 2 आएगा। हाँ तो इसलिए दिया है ना, इसका मतलब देख 1.08 का पावर 5 जो है तेरा 1.47 है, ठीक है, मतलब 1.08 का पावर 5 जो है 1.47 है, और 1.08 का पावर 10 कितना हो गया, 2 हो गया है ना, वो मालूम चल गया ना कि वैल्यू जो है इनकी कितनी है, 10 है, समझी? yes, तुम लोग का लाइट वाइट है क्या आज उधर, मतलब जो चर्चगेट साइड रहे तो लाइट है तुम लोग, क्या पावर है आज? हाँ सुबह तो पावर चली थी, सुबह गई थी अभी आ गई। हाँ सुबह गई थी। तो नेक्स्ट बोलो, 2.3 सर, 2.3 का 8 क्वेश्चन वो गलत क्वेश्चन है। हाँ वो क्या है, वो कुछ बताया, वो ऐसे मतलब जब तक हमको ये वाला हाइट दिया है और फिर 6 दिया है और देन सो ऑन दिया है, वो कुछ पता नहीं चल रहा है, ढंग से नहीं दिया हुआ, तो वो आंसर जो दिया उसके हिसाब से मैच करना पड़ेगा कि आंसर कैसे दे रखा है उसने, उससे देखो फिर क्वेश्चन तो गलत ही है ना, बताओ ना। 6 मीटर 3.6 मीटर वो दो बार एक ऊपर जाके नीचे आएगा ना, नहीं तो नीचे देखो 10 मीटर से ड्रॉप किया गया, उसके बाद 6 मीटर तक गया, देन 3.6 तक गया, तो ये तो कोई सीरीज बनी नहीं ना, 10 6 3.6 कोई सीरीज ही नहीं बन रही ना, कुछ तो मिस्टेक लग रही मुझे वहां पे। सर जीपी है, कहाँ जीपी है, रिकॉर्ड टर्म देना चाहिए ना, नहीं नहीं जीपी जो है देखो जीपी देखो क्या है, एक और टर्म देगा ना, ऐसे कैसे होगा बताओ, एक और टर्म नहीं दोगे तो कैसे करें, चलो बताओ आ जाओ, मान लो 10 लिया ठीक है, फिर क्या लिया तुमने, 6 लिया ठीक है, और एक और लिया 3.6 लिया, तो एक और टर्म देते तो मैं श्योर हो जाता, वैसे अभी यहां पर भी मैं ऑलमोस्ट इतना श्योर है कि दिस बाय दिस 0.6 है और दिस बाय दिस भी 0.6 है, ठीक है, तो एक जीपी क्या है ये सॉर्ट ऑफ, हाँ ये जीपी है, मैं क्या बोलूं, मैं उसको माइनस कर, मैं गलत किया था सर, 10 को इंक्लूड करना होगा, लेकिन जीपी में 10 को इंक्लूड नहीं करना होगा क्योंकि वो ऊपर से एक ही बार 10 मीटर कवर किया बाकी। हाँ तो मतलब अपन क्या करेंगे, पूरा डिस्टेंस निकाल के देखो क्या होगा कि एक बार 10 से आया ठीक है, 10 से आया और फिर 6 तक गया, नीचे आया, फिर 3.6 गया, 3.6 आया, समझ में आ रहा है, तो अगला कितना आएगा बताओ, 3.6 इंटू 0.6 ना कितना हो जाएगा, 2.16 है ना, तो अभी अपन क्या करेंगे, 10 की ये जीपी पकड़, 1 माइनस 0.6 वैल्यू कितनी आ रही है, 10 बाई 0.4 विच हाउ मच,
25. अब इसमें से ये जो एक बार ये 10 जो अच्छा नहीं 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 ठीक है हाँ ठीक है अभी इसमें कैसा है टोटल डिस्टेंस में ये जो 6 है ना ये दो बार ट्रेवल हुआ है ये सब दो बार ट्रेवल हुआ है समझ रहे हो है ना तो अपन क्या कर लेंगे 10 प्लस ये जो 6 की सीरीज ट्वाइस कर लेंगे इनटू 2 को बाहर लेके 6 बाई 1 बाई 1.6 कितना आ रहा है इससे आंसर 2 इंटू 6 बाई 0.15 कितना आंसर दिया है आंसर 25 मीटर दिया लेकिन आंसर 40 आता है वो दो बार का पकड़ेंगे हाँ, हाँ, 40 40 है। आता आंसर पीछे उन्होंने 25 क्यों दिया है सर उन्होंने डायरेक्ट जीपी लगा दिया है तुम उन्होंने क्या उन्होंने डायरेक्ट जीपी लगा दिया है ना बट तो उन्होंने ये भी कंसीडर नहीं किया कि 6 जो है दो बार है ये 6 अगर ऊपर गया है तो वापस से 6 नीचे आया है ना अगली बार फिर उठा है ठीक है गड़बड़ है ना पूरा सिस्टम तो ठीक है बट सीरीज जो थी वो जीपी थी वो मैंने मिस्टेक की थी मिलती है वो हाँ नेक्स्ट बोलो हाँ भाई चलो आजा बोलो एचपी वाले में आओ बोलो भाई एचपी सर डायरेक्ट मिसेलेनियस पे गए तो चलेगा मिसेलेनियस क्यों 2.4 नहीं करूंगा मैं क्यों नहीं करूंगा क्यों मैं 2.4 2.5 क्यों नहीं करूंगा करने को मैं नहीं कहा था क्या करने को चलो 2.4 बोलो 2.4 में डाउट है तो बोलो नहीं तो आगे बढ़ूंगा मैं हेलो हेलो हाँ हेलो यस सर ठीक है नेक्स्ट बोलो अरे कीर्ति तूने क्यों बोला कि डायरेक्ट मिसेलेनियस जाए तो चलेगा तूने नहीं किया क्या 2.4 2.5 किया है डाउट नहीं है ना सर 2.4 का 8 क्वेश्चन ये किसकी आवाज है कौन बोल रहा है सर आर्यन आर्यन 2.4 का 8 क्वेश्चन एएम ऑफ अर्थ मैटू नंबर क्या है यार एक मिनट रुको ना सब खिड़की बंद करो यार प्रॉब्लम ही हो गई अब तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स क्वेश्चन बोल ना आर्यन क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन रीड कर एक बार आर्यन क्वेश्चन रीड कर बेटा
हेलो If the AM of two numbers exceeds their GM by 2 and their HM by 18 by 5, find the numbers. बस क्या दिक्कत है? AM exceeds their GM by how much? 2. और AM exceeds their HM by? 18 by 5. क्या ये दोनों मैंने देखो मैं हमेशा बोलता हूँ maths is क्वेश्चन आपको मतलब इक्वेशन सॉल्विंग करनी है ठीक है तो कौन सा क्वेश्चन था हाँ अभी बताओ यहां तक क्लियर है अब कैसे करेंगे बताओ दो इक्वेशन दो वेरिएबल आर्यन बताओ क्या करूं हाँ बोल एक को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं ना देखना दो देखो कैसा है ना कि मतलब यहां से a प्लस बी बाई टू जिसे है ना a प्लस बी बाई टू को टू रूट ए बी में कैसे भी करूंगा डिफिकल्टी तो पड़ी है लंबा तो पड़ी रहा है सर रुक जाओ एक मिनट रुको ठीक है मतलब वही है a प्लस बी बाई टू को ला के पुट कर दूंगा मैं इसमें या इस ए बी का ठीक है देखो मैं क्या कर रहा हूँ कुछ भी करो करना तो पड़ेगा ही ठीक है कोई खास हाँ बोलो जो बोल रहे थे बोलो क्या बोल रहे थे सर हम जी स्क्वायर इसको फैक्टराइज कर दो रुको हो गया एक मिनट रुकना ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी बाई टू इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 बाई 5 ठीक है अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी अरे हाँ या ना है ना और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी चमका ठीक है तो नाउ इफ यू सी प्रॉपरली तो मैं अगर टू टू से डिवाइड कर दूं ऐसा ऐसा रख दिया स्क्रीन चला गया सर स्क्रीन चला गया एक मिनट रुक जाओ ये आ गया ठीक है तो अभी मेरे पास क्या आ गया जैसे कि ये फोर था मेरे पास तो अभी इसकी वैल्यू लाके यहां पर लाके रख दो ठीक है अगर इसकी वैल्यू यहां पे लाके रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ अपन ने एक बात ध्यान रखना यहां पर मैंने फोर को कॉमन निकाला फोर से डिवाइड किया सिस्टम को ठीक है फोर से डिवाइड किया है तो ढंग से मैं एन तक सॉल्व करता हूं मैं आज से आधा अधूरा सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा लेट मी सॉल्व प्रॉपरली ठीक है तुम्हारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी बाई टू ए प्लस बी ठीक है Now, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं और इसको टू को यहां भेज दूं इसको फोर कर दूं तो मेरे पास लिखा हुआ है क्या ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी अरे हाँ या ना ठीक है अरे यहाँ पर कितना आ गया भाई टू ए प्लस बी इसकी वैल्यू फोर है डाल दो फोर इसकी वैल्यू ठीक है और यहाँ पर कितना आ गया 18 बाई 5 अरे इतना क्लियर है ठीक है तो ये मेरा 2 से 2 आ गया ऐसे 2 से 9 बाई 5 आ गया ये बात चमकती है फाइन अभी देखो कैसा है कि अभी तुम्हारे पास a प्लस बी से डिवाइड कर दो इसको तुम्हारे पास हो गया ना फिर 1 प्लस टू रूट ए बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 बाई 15 कैसे मिस्टेक चेक कर लेना ठीक है अभी यहां से a प्लस बी का वैल्यू लाके डाल दो यहाँ पे a प्लस बी तुम्हारा क्या है 4 प्लस टू रूट ए बी डाल दो यहाँ पे तो 1 प्लस टू रूट ए बी बाई फोर प्लस टू रूट ए बी नाइन बाई 15 जो भी है अभी ए बी की वैल्यू आ जाएगी ये क्लियर है क्या ये एक तरीका है yes, sir. ठीक है ये एक तरीका है ठीक है yes, sir. फाइन रैप करूं इसको सर एक मिनट हाँ रब तो कॉपी कर लो सर बुक में दिया हुआ है वो जी स्क्वायर आ रहा हूँ आ रहा हूँ बोल रहा हूँ सर मैं पूछने रहा हाँ आ रहा हूँ उसके थ्रू ही करूंगा सेकंड मेथड से ये वैसा मेथड हो क्या होता है हर क्वेश्चन का वी शुड फर्स्ट ट्राई बिल्कुल बेसिक से हमको कुछ नहीं आता ठीक है देन वी कैन ट्राई टू अटेम्प्ट कुछ हमको आता है क्या और अच्छे क्वेश्चन हमेशा बेसिक से बनते हैं ठीक है
अब ये तो वो जो फॉर्मूला जिस फॉर्मूले से सॉल्व करने की तुम बात कर रहे हो ना बेटा, वो कब अप्लाई कर पाओगे, जब ए और जी में दिया हुआ रिलेशन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ट्वाइस ज्योमेट्रिक मीन, थ्राइस अर्थमेटिक मीन करके एक क्वेश्चन फंसा दूंगा, दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। एनीवेज रैप करें क्या इसको? हाँ सर। इस मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करें जो दिया है, देखो ठीक है। अभी देखो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन क्या होता है, टू ए बी बाई ए प्लस बी। ये क्लियर है? तो मुझे बताओ जी स्क्वायर कितना हो गया ए बी, और ए एच कितना हो गया ए इंटू एच, बताओ ए इंटू एच कितना हो गया ए बी, तो क्या हो गया जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, ठीक है। अभी तुमको क्या दिया हुआ है, ए माइनस जी की वैल्यू कितनी है टू, और ए माइनस एच की वैल्यू कितनी है 18 by 5। तो थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल, कैन यू सॉल्व दिस? यस। अरे भाई क्लियर है, सॉल्व कर सकते हो ना अभी तो? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे करोगे बताओ? बोलो क्या करें? मैं तो क्या करूंगा, जी को गायब कर देता हूँ, जी क्या हो जाएगा ए माइनस टू का होल स्क्वायर, और ए है, और एच कितना हो जाएगा ए माइनस 18 by 5, तो क्या बन गया ए में क्वाड्रेटिक, समझे क्या? हाँ सर। तो एंड तक सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। यस हाँ, अब जो कोई कुछ बोल रहा था, अब बोलो क्या बोल रहे थे। अच्छा बुक, अच्छा ओ अच्छा बुक में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन सॉल्व है, ओ बढ़िया बढ़िया, और फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं सेम क्वेश्चन। देखो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मैं डांट नहीं पा रहा हूँ, ऑनलाइन में हूँ, लेकिन आप लोग गलत तरीके से पढ़ रहे हो, आपके पास पढ़ाई का बहुत टाइम है, आप लोग घर पे बैठे हुए हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। बुक दिया आपको, बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था। नेक्स्ट बोलो, चलो आप लोग से एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड नहीं बन रहा यार, फटाफट सीट कैसे बनाओगे, टाइम पास कर रहे हो लग रहा है। चलो नेक्स्ट बोलो यार, चलो सर मिसलेनियस 2.5 2.5 नहीं है सर, वो पावर सीरीज पढ़ाना बचा है ना। कौन से पावर सीरीज बेटा? 2.6 के ऊपर है। हाँ वो तो ऐसे ही, वो तो मूर्ख लोग हैं, क्यों दियो, 12th का है। आप तो उसको अभी से रट, आप तो रट जाओ उसको, अच्छा रहेगा, ठीक है रट जाओ, हम लोग को 12th में काम आएगा, ठीक है रट जाओ अभी से, अच्छा है, जो पढ़ाना कुछ होता नहीं है बस, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन सॉल्व लूंगा, देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री मार्क क्या होता है? अच्छा अच्छा फैक्टोरियल साइन है बेटा, फैक्टोरियल। चलो ठीक है डाउट पूछो। 2.6 थर्ड और फोर्थ मैंने ग्रुप पे भेज दिया था ना सॉल्यूशन, जिसने पूछा था, बन गया? हाँ सर। ठीक है 2.6 हो गया मिसलेनियस, मिसलेनियस रोमन वन क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 सिक्स सेवन एट नाइन टेन रोमन 2 1 2 3 4 सर 10 पार्ट 1 का, पार्ट 1 का ठीक है। अभी तो किया ना बेटा सेम तरीका है ना, देखो ना जीएम ऑफ टू नंबर्स जी माइनस एच कितना है 6 by 5 और ए माइनस जी कितना है 3 by 2। क्या एंड तक सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को, और अपने को क्या मालूम है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच है ना, तो क्या करें बताओ, जी स्क्वायर रहने देते हैं, ए कितना है बोलो
थ्री बाई टू प्लस, अरे बोलो भाई, थ्री बाई टू प्लस जी, और एच कितना है? कोई बोलता ही नहीं है यार, थक गया मैं। जी माइनस सिक्स बाई फाइव। थका मत यार, बोलो तो यार, ठीक है। तो थ्री बाई टू जी माइनस सिक्स बाई फाइव जी माइनस नाइन बाई फाइव प्लस जी स्क्वायर, जी स्क्वायर कट गया ना, जी स्क्वायर है ना, कितना आ गया नाइन बाई, क्या बता सर? इसके आगे कर लूंगा, नहीं मैं एक एंड तक कर देता हूँ मैं, चलना थ्री बाई टू। अच्छा एक बात सुनो, अगर मेरा क्लास कट जाता है ना अभी थोड़ी देर में, तो मैं वापस ज्वाइन करूंगा, चले मत जाना, ठीक है? डिवाइस डिस्चार्ज हो रहा है, 8% बचा है बस। 9 बाई 5 कितना आ गया बताओ, जी का वैल्यू कितना आ गया? ओह 0.4 आया ना, 5.1.1 5.4.4 होता है 4/10 2/5 2/5 जी, मेरा ये आ रहा है, चेक कर लो एक बार। 3/5 है यार, 6/5 कितना होता है? हाँ 3/5 कट गया, मतलब जी कितना आ गया 3। हाउ मच इज जी? जी इज 3। अगर जी इज 3 दैट मींस, जी इज 3 दैट मींस ए इज हाउ मच? 3 plus 3 by 3 minus 3 अगर 3 कितना 9/2 सर, 9/2 तो जी आ गया और ए आ गया। ए क्या होता है? लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, तो एक्स प्लस वाई बाई टू कितना आ गया 9/2, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9, और ये क्या होता है रूट एक्स वाई, रूट एक्स वाई कितना है 3, तो एक्स वाई कितना आ गया 9। अरे ये क्लियर है क्या? Yes. तो एक्स वाई 9 है और एक्स वाई दोनों ही 9 कैसे आ गए? वो 9/2 थोड़ी आएगा, 3/2 आएगा ए की वैल्यू। हाँ एक 3/2 है, माइनस हुआ ना, ए का वैल्यू 3/2 है, बट ए का वैल्यू 3/2 और 3/2 माइनस 3, 3/2 कैसे हो जाएगा? कुछ गलती चल रही है ना? नहीं एक मिनट, सही किया था यार तुम, क्या कह रही है? ए का वैल्यू तेरा जी 3 आया ना, जी 3 आया, 3 डालोगी, हमारा ए कितना आ रहा है 7/2, तो एक्स वाई कितना है 9 है, और x प्लस वाई बाई टू कितना है 7/2। अच्छा यहां गलती थी ना, तो x प्लस वाई कितना आ गया 7, और x इंटू वाई कितना आ गया 9। x और y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है x और y की वैल्यू इससे? हेलो हेलो, यस सर, तो एक बार इससे x और y की वैल्यू निकाल के बताओ ना यार क्या है। 1/5 + 3 4/5 आएगा ना सर? कहाँ पे गलती करी मैंने? और g की वैल्यू 6 होगी ना? ओफो सर, 9/5 = 3/10 g आएगा ना? 9/5 हाँ भाई, अभी आराम से कर लेते, तमीज से कर लेते। 9/5 कितना आ रहा है? 3/10 जी आ रहा है। तो जी का वैल्यू 6 आ गया। क्या बाकी लोग किए हैं ना यार, तो अपना आप जो मैं गलती कर रहा हूँ बताओ ना, गलतियां कर रहा हूँ, चुप बैठे हो यार। बट ये कितना आ जाएगा 6 और 1.5 = 7.5 इज 15/2, तो x इंटू वाई इज 36, x प्लस वाई इज 15। क्या नंबर है बताओ? 3 or 12 Next बोलो। हाँ next बोलो, चलो next बोलो। Roman 2 का 29 रब करें बेटा इसको। हाँ sir। Yes sir। ठीक है, Roman 2 का 29 एक मिनट रुक जाओ, बहुत ज्यादा आगे निकल गई तू। रोमन 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, अरे कर लियो ना 16th क्वेश्चन सब लोग, 16th, yes, 17th, 18th, 19th, 20th, sir 19th बुक में सॉल्व है एक क्वेश्चन, और 19th अगर यहाँ पे डाउट पूछ रही है तो 19th तेरा 2.6 में भी है, और 19th एक 2.6 में भी है, तो वो तूने नहीं पूछा हाँ, और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था याद है, हमने कुछ किया था, अच्छा किया था, याद करो का हाँ, तो कितना आ जाएगा 1 × 50 + 49 इसका 1 × 48 + 47 + 2 − 1 × 1 × 2 + 1 तो मेरे पास क्या आ गया 1 + 2 अप टिल 50 तक का सम। हाँ सर समझा। ये सेम क्वेश्चन 2.6 में भी था, देखो आप लोगों ने उस दिन उस दिन संकेत ब्रदर आया था ना, क्या बोला था कि अपने डाउट को नहीं पूछना गलत बात है, और लोग 11th में झूठ बोल देते हैं कि हमसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है बिना डरे बिना शर्माए डाउट पूछो, डाउट पूछोगे तो ही मैं आपको सिखा पाऊंगा चीजों को। 21, 22, 23, 24, 25 सर 26 ये सबका तो वन आएगा, तो किया था ना क्लास में 26 जैसा, तीन बार कर चुके ना सेम क्वेश्चन। अब तो पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म, पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ जीपी एक्स वाई जेड है, बताया था ना हमने कि तो क्या हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा बोलो ए इंटू आर की पावर पी माइनस, वाई क्या हो जाएगा ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन। अरे चमक रहा है क्या? यस सर। हेलो सर, किया है ना पहले भी है ना, ये तो किया है ना बेटा पहले, क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी, जेड की पावर पी माइनस क्यू, ठीक है। तो आपको दो तरीके से मैंने कराया था, या तो एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दीजिए है ना, तो डाल देते हैं वैल्यू, बताओ क्या एक्स की वैल्यू ए आर पी माइनस, ये तो एनसीईआरटी में भी सॉल्व किया था हमने सेम क्वेश्चन। वाई का वैल्यू क्या है ए आर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, जेड की वैल्यू क्या है ए आर आर सॉरी ए आर आर माइनस वन इंटू बोलो कितना है पी माइनस क्यू। तो अभी ए के पावर में क्या क्या आ जाएगा बोलो, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, अरे हाँ या ना, पी माइनस क्यू, और अब आर के पावर में क्या आएगा बोलो, आर के पावर में क्या आएगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। सेम क्वेश्चन किया है एनसीईआरटी में, तब था एनसीईआरटी में, प्रूफ करो कि इसकी वैल्यू वन है, ठीक है। तो ये सब कट गया, तो क्या बचा ए की पावर जीरो बचा, आर की पावर आओ क्या लिखा है पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस आर, देखो ध्यान से माइनस आर माइनस पी माइनस पी माइनस क्यू, सब कुछ कट रहा है क्या, ये सब कट गए ना आपस में है ना, और यहां देखो पी क्यू लिखा है और यहां पे माइनस पी क्यू लिखा है, यहाँ पे माइनस पी आर लिखा है और यहाँ पे प्लस पी आर लिखा है, यहाँ पे क्यू आर लिखा है और यहाँ पर माइनस क्यू आर लिखा है, सब वैल्यू कट गई ना, तो क्या आ गया ए की पावर जीरो आर की पावर जीरो, वैल्यू आ गई वन, ठीक है। अब तो ऐसे क्वेश्चन बन जाए थे ना, अब तो मतलब फेमिलियर हो गए इस टाइप के क्वेश्चन से, तो Yes, चलो कोई बात नहीं, चलो पूछो पूछो, चलो बोलो पूछो। 29 लिख रहे हैं 28 बेटा, 28 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के मिसलेनियस में है शायद, अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन मैंने कराया है। यस सर कराया था, 28 क्वेश्चन कराया है मैं, यस कराया है।
हो गया क्या? हाँ सर हो गया। ट्वेंटी एट करना है, ठीक है। पी क्यू आर जी पी में है, पी क्यू आर जी पी में है, ठीक है। तो p की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू q की पावर 1 बाई वाई आर की पावर 1 बाई जेड, ठीक है। तो वेरीफाई करना है कि एक्स वाई जेड किस में है, ठीक है। देखो पी क्यू आर तुम्हारा जीपी में है, ठीक है। तो अगर पी क्यू आर जीपी में तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर हो गया। Yes, sir. अरे हाँ या ना, है ना। तो देखो ना तुम्हारे पास, तो तुम अगर वैसे करना चाहो तो ये सब बराबर है ना, अगर ये सब बराबर है पी क्यू आर के टर्म्स में लिख लेंगे और फिर उसमें इसको अपन आर ले लेते हैं ना, आर, ठीक है। मेरे पास पी क्या आ गया, आर की पावर एक्स, क्यू क्या आ गया, आर की पावर वाई, आर क्या हो गया, आर की पावर जेड, इसको इसमें डाल दिए तो क्या आ गया, आर की पावर टू वाई इज इक्वल टू आर की पावर एक्स और आर की पावर जेड, तो क्या आ गया, आर की पावर एक्स प्लस जेड। हमारे पास 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर, क्लियर था ये, मुझे ये किया था, मुझे याद आ रहा है, पता नहीं। नेक्स्ट बोलो। 29। चलो रैप करें इसको। यस सर। ये जो 29th क्वेश्चन है, ये एक बार मैंने चार पांच क्वेश्चन दिए थे ना बोर्ड पे सॉल्व करने को, है ना? सॉल्व नहीं किया था पर। हाँ तो फिर एनसीईआरटी में सॉल्व था ना, तो आपको देखना चाहिए था ना बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसमें अभी है आपका कॉमन रूट्स, ठीक है। तो और दिया हुआ है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है बताओ सर? सेटिस्फाई करना पड़ता है। क्या चीज सर? अगर अल्फा कॉमन रूट हुआ तो अंडर डाल देंगे अल्फा को, बिना कंडीशन लगाए भी कर सकते हैं। तो कंडीशन तो मतलब अल्फा अगर डाल भी दोगे सर, दोनों के अगर रूट अल्फा बीटा ले लेंगे तो उससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के देंगे दोनों सर, उससे आ जाते नहीं तो दोनों का रूट अल्फा और बीटा, तो उसने कहा ना हैव कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन है कि एक रूट कॉमन है? हम तो एक रूट कॉमन, दोनों रूट कॉमन लेना है क्या? हाँ सर दोनों रूट कॉमन है। हाँ सर कॉमन रूट्स बोला है फुल फॉर्म, दोनों रूट एक ही आएंगे सर। तो हाँ सर दोनों रूट कॉमन, यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और अपने पास ये रिलेशन तो है ही है, तो इसको अपन अगर मान लेते हैं, मान लो लैम्डा मान लिया, ठीक है। तो मेरे पास पी क्या आ जाएगा, ए बाई लैम्डा, क्यू क्या आ जाएगा, बी बाई लैम्डा, और सी क्या आ जाएगा, आर बाई लैम्डा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन में कहा है करने को प्रूव, उसमें चलते हैं। क्या कह रखा है, पी बी स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू बी ए, टू क्यू बी ए, ठीक है। एक काम करते हैं क्यू बी ए से डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू ए बी प्लस आर ए क्यू बी इज इक्वल टू टू प्रूफ करना है, ठीक है। अभी बचता है R into lambda होगा ना, क्या बेटा? C equals to R into lambda. मैंने C लिखा नहीं ना, सॉरी R लिखना है मेरे को, C by lambda, ठीक है। तो अभी P by Q कितना है, देखो P by Q कितना है बोलो, A by B into B by A, ठीक है। और R by Q कितना है बोलो,
सी बाई बी यस आर बाई क्यू करना है ना सर सी नहीं कुछ ठीक है आर बाई क्यू करना है कितना आया आर बाई क्यू कितना आ रहा है सी बाई बी ए है ना यहां आ गया एक और बी स्क्वायर आ गया ठीक है ये तो वन बन गया और ए सी कितना है बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया क्या आ गया वन प्लस वन इज इक्वल टू टू अरे ये क्लियर है क्या यस सर एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सेम था क्यों कुछ और था नहीं उसमें दोनों रूट्स कॉमन नहीं थे अच्छा नेक्स्ट बोलो सर एक मिनट कॉपी कर रहा हूँ हाँ हाँ कॉपी कर लो थर्टी टू थर्टी थ्री छोड़ दो ठीक है 29 के बाद 30 हो गया है हाँ वो एनसीईआरटी में भी है ना ऐसा और 31 हो गया यस सर तो 31 में सॉल्व करता हूँ 31 कैसे किया है तुम लोगों ने सर वो पी क्यू को वो नॉर्मल ऐसे ए ए आर ए आर स्क्वायर को निकल लिया अच्छा वैसे किया है रुको रुको देखो जीपी में है ना तो क्या होगा क्यू बाई अगर पी क्यू आर एस जीपी में तो क्या होता है क्यू बाई पी इज इक्वल टू आर बाई क्यू इज इक्वल टू एस बाई आर ओके ठीक है अब देखो मैं क्या कर रहा हूं ये हो गया ना जीपी का कंडीशन मैं दोनों साइड एन से रेज कर दिया अब बताओ क्या करूंगा जो दिया हुआ है वो लाने के लिए क्या करूंगा बोलो सीपी लगा दो सीपी अगर सीपी लगाओगे तो क्या हो जाएगा बोलो क्यू एन प्लस आर एन बाई पी एन प्लस क्यू एन इज इक्वल टू आर एन प्लस एस एन बाई क्यू एन प्लस आर एन इज इक्वल टू क्यू एन प्लस एस एन बाई पी एन प्लस आर एन कुछ हुआ क्या हाँ सर अभी जीपी में हो गया वो कैसे हो गया ना ये अरे बात समझ में आई क्या यस सर ठीक है तो इसको 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 नोट्स में कॉपी करो 31 वाले को सीपी लिखते हुए मैं दूसरे सिस्टम से जुड़ रहा हूँ ठीक है तो तुम लोग कॉपी कर लो कॉपी कर लिया है हाँ सर किया ठीक है मैं दूसरे सिस्टम से जुड़ रहा हूँ मेरा आईपैड डिस्चार्ज होने वाला है मेरा मोबाइल दो मेरा मोबाइल
परफेक्ट तो हिट मिल गया था शायद हाँ हेलो आवाज आ रही है क्या हाँ सर आ रही है ठीक हाँ सर आ रही है चलो एक तो होमवर्क हो गया ठीक है तो अभी नेक्स्ट क्लास में क्या होमवर्क डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री वाला ठीक है क्योंकि फिर उसके बाद फिर अपने को फंसा हाँ ठीक है ऑब्वियसली वो भी करना ही है ठीक है हाँ तो अभी अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन सा समेशन पढ़ा था सर आपने अपन एजीपी पे ही क्वेश्चन कर रहे थे ना यस सर अपन एजीपी पे ही क्वेश्चंस कर रहे थे ना यस यस सर हाँ ठीक है अभी अपन कुछ स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे ठीक है स्पेशल सीरीजेस तो पहला स्पेशल सीरीज जो है विल कंसिस्ट ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर विच आर पार्ट ऑफ NAP product of terms in numerator which are part of an AP special series 1 2 product of terms in denominator which are part of an AP ये दो चीज अपन ए और बी अभी आज पढ़ने का ट्राई करेंगे ठीक है देखो कैसा है मैं पहले वाले क्वेश्चन के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं पहले आप समझो मैं कैसे क्वेश्चंस की बात करूंगा ठीक है देखो ध्यान से 1 2 3 plus 2 3 plus 3 4 देख रहे हो ये सारे टर्म्स जो है एक ही एपी में है ना या ये देखो 1 2 3 2 3 4 समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो 3 4 5 इस टाइप के टर्म्स या 1 3 4 5 7 plus 3 5 7 9 कुछ तुमको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या बस ऐसी हवाएं बात कर रहा हूं मैं हाँ सर दिख रहा है सर दिख रहा है सर वो दिख रहा है बताओ ना प्लीज क्या क्या बोल रहे हो सर वो मतलब जो लिखा है वो आप बताओ ना वो समझ नहीं रहा है छोड़ दे ना छोड़ दे ये देख मैं कैसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर विच आर पार्ट ऑफ एन एपी तो ऐसा क्वेश्चन ये चार क्वेश्चन समझ देख कैसा है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 ये सारे एक ही एपी के टर्म्स है ना ये देखो 1 2 3 plus 2 3 4 plus 3 4 5 ये सारे एक ही एपी टर्म है कि नहीं है हेलो यस सर अरे है ना कि नहीं है yes, ठीक है तो मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं बी वाले में कैसे क्वेश्चंस आएंगे बताओ बी वाले में हाँ 1 by 1 2 plus 2 3 plus 3 4 या 1 2 3 या 2 3 4 फिर 1 4 7 plus 4 7 11 10 या 1 by 2 5 8 11 plus आपको पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इतना बताओ बस मुझे दिख रहा है सर तो मैं ऐसे क्वेश्चंस की ही बात कर रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं आज हम लोग यही सीखेंगे
स्पेशल सीरीज है ए और बी। कॉपी कर लिए? नहीं सर, एक मिनट। नहीं सर। सर बोलो। सर आपने इधर लिखा है ना, मतलब पहले टर्म में दो के प्रोडक्ट, दूसरे टर्म में भी दो के प्रोडक्ट, तो हम ऐसा नहीं कर सकते पहले टर्म में दो के प्रोडक्ट, दूसरे टर्म में तीन के प्रोडक्ट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं चमका बेटा, क्या बोल रहे हो? सर मतलब आपने पहले सीरीज में लिखा 1.2, इधर से दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो सेकंड टर्म में 2×3×4 नहीं कर सकते? नहीं, तो वो स्पेशल सीरीज में नहीं काउंट होगा। ओके सर। हो गया सर। नहीं सर। स्प्लिट कर देना एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर कर दे, तो वन तो एक टर्म तो तेरा कट जाएगा, तो रह जाएगा वन प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो टेन इनवर्स है ना। नहीं नहीं वो कॉन्स्टेंट नहीं बना होगा, तेरा कुछ गलत हुआ होगा या तो बुक में गलत दिया होगा आंसर। हो गया कॉपी करके। कॉपी हो गया सबका? यस सर। ठीक है, तो अब देखो करते कैसे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप लोगों करना होगा। ठीक है, मैं स्पेशल सीरीज ए का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। हेलो, ध्यान दो। टू थ्री फोर फाइव, एक मिनट रुक जाओ। टू फाइव
8, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? 5, 8, 11 + 8, 11, 14 इस सीरीज का सम निकालना है. ओके? यस सर. हेलो. यस सर. ठीक है, अब ध्यान देना. पहले इसका nth टर्म लिखते हैं, पहले इसका nth टर्म लिखेंगे, ठीक है? कैसे लिखा जाएगा? 2, 5, 8 nth टर्म क्या होगा बताओ? 2, 5, 8 nth टर्म क्या होगा बोलो? 2 + 2n - अरे यार ये नहीं आता क्या? 3 आता है सर, 3n - 1 आ जाएगा. 3n - 1 आ गया. तो टर्म nth कितना हो गया बताओ? टर्म nth अरे ऐसे ना करो यार, पढ़ाने का मन नहीं करता यार. 3n - 1 फिर प्लस 3 ना, तो 3n + 2 हो गया, और फिर प्लस 3 ना, 3n + 5 हो गया. अरे ये बात चमकी क्या? यस सर. ऑब्वियसली आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दो, हम लोग जो सीखे हैं ना वो क्यूबिक वाला फॉर्मूला, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आप सही कह रहे हो जाएगा, लेकिन चार टर्म आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो देखो तरीका कैसे, टर्म आपने टर्म nth लिख दिया. अब मेथड समझो, मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का. अब मेथड समझो, ठीक है? द मेथड इज लाइक दिस. यहां मैं लिख रहा हूं पहले रफ में, हर टर्म को 2, 5, 8 है ना. देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 2, 5, 8 को मैं एडजस्ट कर, 2, 5, 8 ध्यान देना यहां पे समझो, 2, 5, 8 तो ये जो एपी चल रही है 2, 5, 8 वाली, इसका अगला टर्म कौन सा है? 8 के बाद क्या आएगा? 11. और 2 के पहले क्या आया होगा? 2 के पहले क्या आएगा? -1. तो 11 - -1 तो ये कितना एक्स्ट्रा नंबर आपने क्रिएट कर दिया? 12 हो गया. 12 हो गया ना, नहीं समझे? देखो 2, 5, 8 को 2, 5, 8 इंटू क्या किया मैंने, 8 का अगला टर्म 11 और 2 का पिछला टर्म -1 तो ये एक्स्ट्रा 12 आया है ना. एक्स्ट्रा 12 है कि नहीं? Yes, तो क्या करना है? एक्स्ट्रा 12 के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? अरे ये चमका तो 1/12 से क्यों? यस सर. आई सर क्या नहीं समझा? सर बोलो. सर वो माइनस क्यों? क्यों किया मत पूछ, मैं बता रहा हूं. तू ये देख क्या किया वो समझा क्या? 11 किया मैंने, कुछ सोचा है मन में, बताऊंगा क्या सोचा है. 8 के बाद क्या है? 11 आएगा. हाँ सर. और 2 के पहले क्या आएगा? -1 आएगा. हाँ. तो वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई ना. अब ये 12 को 12 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि वो 12 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया इसलिए डिवाइड किया. ये बात समझा? हाँ सर. तो अभी ये क्या बन गया देखो, 1/2 12 × 2, 5, 8, 11 - बोलो -1, 2, 5, 8 अरे इतना चमका क्या? Yes, दिख नहीं रहा. Yes, अरे दिख नहीं रहा. अभी दिख रहा है? हाँ सर. अच्छा अब बताओ 5, 8, 11 क्या हो जाएगा बोलो? बोलो बोलो पैटर्न बताओ, पैटर्न समझाओ ना मुझे क्या होगा. बोलो समझाओ पैटर्न क्या होगा बोलो. 11 के बाद वाला, बाद वाला 11 के बाद वाला और 5, 8, 11 के बाद वाला क्या है? 14 और 4 के 5 के पहले क्या होगा? 2. अच्छा 2 सर. हां सर. ठीक है तो क्या बन गया बताओ? 1/12 × 5, 8, 11, 14 - 2, 5, 8, 11 ये समझ में आ रहा है? हाँ सर. अरे समझ में आया क्या? तो मुझे बताओ 8, 11, 14 क्या बन जाएगा बोलो एक बार स्टेप में, मैं बीच का स्टेप नहीं कर रहा हूँ. बोलो क्या बनेगा? 1/12 × 8, 11, 14, 17 -
5, 8, 11, 14 अब पता नहीं भाई, समझ में आया क्या? ठीक है, तो मैं वापस से आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आपका जो टर्म वन ये सीरीज थी ना, आपका टर्म वन क्या बन गया बोलो? टर्म वन क्या है? 258 है कि नहीं है? समझा रहा हूँ बस मैं, टर्म वन 258 है, वो क्या लिखा हुआ है बताओ? 1/12 × 2, 5, 8, 11 − −1 × 2 × 5 × 8 बोलो, क्लियर है? टर्म टू क्या बन गया? टर्म टू क्या बन गया? 5, 8, 11, 14 − 2, 5, 8, 11 कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या? कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। जो जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखा था, कैंसिल होती हैं चीजें, है ना? और टर्म एनएच क्या बन जाएगा बताओ? टर्म एनएच क्या बन जाएगा? 1/12 एडजस्ट करना पड़ेगा ना, बोलो क्या होगा? 1/12 इनटू, करो इसको एडजस्ट, तो क्या होगा बोलो? 3n − 1, 3n + 2 ध्यान देना, 3n + 5 इनटू कैसे वो होगा एडजस्ट? 3n + 8 −3n − 4 है ना, इंटू 1/12। चमकता है क्या? यहाँ पे क्या लिखा होगा बताओ? 3n − 1 × 3n + 2 × 3n + 5 × 3n + 8 − 3n − 4 3n − 1 3n + 2 3n + 5 तो जब सबको ऐड करोगे तो क्या हो रहा है बताओ? कुछ कट रहा है? ये देखो कट गया ना, फाइनली अपने पास Sn कितना आ गया बताओ? क्या बचा? 1/12 × 3n − 1 3n + 2 3n + 5 3n + 8 − ये टर्म बच गया है ना। कितना टर्म का, कितना वैल्यू इस टर्म का बताओ? 2, 5, 10, 8, 80 + 80 फर्स्ट टर्म का ही वैल्यू। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर। अच्छे से सोचते हुए कॉपी करो पहले। सर वो नीचे का पार्ट बहुत छोटा दिख रहा है। सही कह रही है। अभी ठीक है क्या? सर वो सेकंड लास्ट स्टेप जो था उसमें क्या एडजस्ट किया मुझे समझा नहीं। कहाँ पे? एलएचएस में सेकंड लास्ट स्टेप। एलएचएस में सेकंड लास्ट स्टेप। बोर्ड के सर आप से शायद जूम करके, मतलब आप अपने स्क्रीन को जूम करेंगे तो हमारे स्क्रीन में भी जूम करके देख सकते हैं। हाँ बट मेरे को आईफोन में ऑप्शन नहीं दे रहा है जूम करने का। एक मिनट क्या हो गया, बहुत छोटा है क्या? एक मिनट पहले स्लोली स्लोली काम करते हैं। पहले एक किसी ने डाउट पूछा है, किसी को कुछ डाउट है बताओ? क्या डाउट है? बोर्ड के लेफ्ट साइड में क्या एडजस्ट किया है? देखो 3n − 1, 3n + 2, 3n + 5 था मिली, ठीक है। तो देख हमने यहाँ पे क्या सीखा, 8 का अगला टर्म क्या होगा और 2 का पिछला टर्म क्या होगा, उससे अपन एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3n + 5 का अगला टर्म क्या होगा इस एपी में? देखो ना 3n + 8 और 3n − 1 का पिछला टर्म क्या होगा? 3n − 4। तो इन दोनों को माइनस कर दिया, 3n कट गया, 8 − 4 = 12 आया, 12 को मैंने यहां पे कर दिया, समझे? हाँ अब बताओ, कोई कुछ और बोल रहा था, बोलो क्या था दिक्कत?
सर मतलब हर एक स्पेशल सीरीज के लिए यही अप्रोच होगा, मतलब कुछ फॉर्मूला वाला नहीं? हर एक स्पेशल सीरीज जो इस टाइप की होगी उसको हम अभी ऐसा करना सीख रहे हैं। ओके सर, ठीक है, ये बस पहला स्टेप है अच्छे क्वेश्चंस का। आपको बस आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं स्प्लिट कर रहा हूँ क्या, और आपको ये समझना है कि मेरी स्प्लिटिंग से क्या हुआ है। चमका है? हाँ सर चमका। ये दो चीजों में टर्म्स स्प्लिट होके ब्रेक अपार्ट कर गई है ना। कॉपी करो इसको। सर प्लस 80 कहाँ से आया? 80 ये बचा है ना, ये देख माइनस 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8 सर हो गया कॉपी करके? नहीं हुआ, दो मिनट से। हाँ कर लो कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो इस मेथड को लगा के। ऑब्वियसली टर्म एनथ वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट अभी मैं चाहता हूं तुम इसी मेथड से करो। चमक रहा है ना कि अपन जो इतने दिन से लगा रहे थे अपन, अगर अपन एनथ टर्म लिख दे एन इनटू एन प्लस वन, हम सॉल्व कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को, है कि नहीं? Yes. हाँ, बट उस वाले तरीके से मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। चलो सब लोग सॉल्व करें इसको।
हो गया सर? नहीं सर, एक मिनट. हाँ सर हो गया. हो गया है? कैसे करेंगे बताओ. टर्म मैनेज क्या लिखा? टर्म मैनेज क्या आया बताओ पहले. पहले टर्म मैनेज सबका सही आना चाहिए, बाकी नहीं हम इनटू एन प्लस 1 इनटू एन प्लस 2. ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे होगी? एन प्लस 2 का अगला टर्म क्या होगा बोलो? एन प्लस 3. और एन प्लस 1 का पिछला टर्म क्या होगा बोलो? एन. तो कितना आ गया? 1/3. तो क्या आ गया बोलो? 1/3 इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 माइनस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2. ये क्लियर है? ये आपका टर्म एन बन गया. यस सर. हाँ चलो टर्म 1 बताओ क्या आएगा. 1/3 इंटू 2, 3, 4 माइनस 1, 2, 3. टर्म 2 कितना आएगा? 1/3 इंटू 3, 4, 5 माइनस 2, 3, 4. आप समझो, आप ये मत समझो कह रहे वाह क्या क्वेश्चन सॉल्व किया हमने. आप ये समझो कि हम क्या कर रहे हैं. हम हर टर्म को दो टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं सच दैट उसका एक पार्ट ऊपर से और एक पार्ट नीचे से कैंसल हो रहा है. ये बात समझनी जरूरी है ना कि आंसर लाना. ठीक है, क्या हो गया बताओ? ये और ये कट गया ना. अरे क्लियर है? आपका एसएन कितना आ गया बताओ? 1/3 इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 माइनस 1, 2, 3 माइनस 6. ये क्लियर है क्या सभी को? यस सर. अब सभी को क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सर. चलो ये सॉल्व करो. 1, 3, 3, 5 अप टिल 20 टर्म्स. गेट मी द आंसर.
हो गया सर। हो गया? हाँ सर। सर कितना है आंसर? 1146 मेरा 1146 ये है क्या आंसर? आई डोंट नो, बताओ। चलो प्लस वन वोट। और बताओ सर। 1146 प्लस 1146 प्लस 3 बस। क्लास में 5 लोगों का आंसर आया है क्या? 50 लोगों की क्लास में, बाकी 40 लोगों का क्या हो रहा है भैया? 1146 और क्या बाकी लोगों का नहीं हुआ है तो बोलो ना यार, मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं हुआ है क्या? हेलो सर, सॉल्व करूं क्या? सर कर रहे हैं। 1146 ठीक है, मैं 5 मिनट देता हूँ, सब लोग करो, पर सबका करना जरूरी है यार। सर 1146 ही आता है, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था। ठीक है सर, एक बार सॉल्व करो ना। क्या हो गया? 1335 अप टिल 20 टर्म्स। ठीक है, टर्म एनएथ, तो टर्म एनएथ कितना है बताओ? एन इनटू एन प्लस 2। ये तो गलती करी हो, एन इनटू एन प्लस 2 है ही नहीं है, 2n माइनस 1 है, ये 3 है, है ना? एनएथ टर्म क्या आएगा? 2n माइनस 1 आएगा ना यार। टीएन क्या होगा? 2n माइनस 1 इनटू 2n प्लस 1। ठीक है, तो टीएन क्या हो जाएगा? 2n1। तो वो टर्म एनएथ लिखना ही नहीं, गलत करो फिर कैसे होगा? फिर तो नहीं पॉसिबल है ना। ये क्या होगा? तो 1/6 इंटू क्या बन गया बोलो? 2n-1, 2n+1, 2n+3। वैसे मैं तो प्रेफर करता हूँ, मैं नंबर्स में ब्रेक कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगता है मुझे इससे। तो ठीक है, तो टर्म वन कितना आ जाएगा बताओ? मैं तो नंबर्स में कर देता हूँ। 1, 3, 5 -1, 1, 3/6। आई प्रेफर दिस मेथड इट्स डायरेक्टली, है ना। टी टू क्या होगा? 1/6 इंटू बोलो 357 है माइनस 1, 3, 5 है ना, तो ज्यादा सही लगता है मुझे सीधा। और टीएन हो जाएगा 1/ अरे क्या नाम है, कीर्ति, समझ गई गलती? हाँ सर समझा अभी। तुमको वही तो बता रहा हूँ, इतने दिन से एनएट टर्म पर लिखना जरूरी है ना, एनएट टर्म पर लिखना सीखो फिर ही आंसर आएगा। नहीं बनता है पूछा करो वापस से, लेकिन एनएट टर्म निकालो, ठीक है, आ जाएगा ना आंसर इससे। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है। रुक, रब कर रहा हूँ, कॉपी करो। किसी को कॉपी करना है, रब करूँ?
एक मिनट सर, लास्ट लाइन नहीं दिख रहा सर। सर लास्ट में 2n+3 आएगा। हाँ यहाँ पर ना, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया है ना, ये 2n+3 है। हो गया सर। रब करे। यस सर। चल स्पेशल सीरीज बी में आता हूं मैं। बी में कैसा है, चलो ऐसा लिखता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव अप टिल एंड टर्म्स। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना कि जो भी ये नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं ना, मान लो तीन टर्म लिखे हुए हैं ना, ठीक है, तो न्यूमरेटर को लास्ट माइनस फर्स्ट से एडजस्ट करते हैं। नहीं समझे? जैसे 1 2 3 है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये एपी यहां पे जो टर्म्स लिखे हुए हैं इसमें लास्ट में एपी में कौन सा है, 3 है ना। न्यूमरेटर वाले में क्या करते थे, जो उसका अगला टर्म था, यहाँ पे जो लास्ट में है, लास्ट में क्या है, यहाँ पे 1 2 3 में 3 है कि नहीं है, 3 है, और यहाँ पे फर्स्ट में कौन है, 1 है, तो 3 - 1 है ना, और 1/2 से मल्टीप्लाई किए। ये बात समझ में आई क्या कि 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो। ये चमकता है। अब बताओ 2 3 4 में देखो क्या करेंगे, 2 3 4 बोलो क्या करेंगे, बोलो 4 माइनस और 1/2 जब इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो क्या बनेगा, बोलो 1/2 बोलो, 3 और 3 कट जाएगा, क्या आएगा, 1/1 और यहाँ पे 1 और 1 कट जाएगा, वो तो कटना क्या ही होता है, बस लिखने की बात है, 2 3 इसमें क्या होगा, बोलो 1/2 बोलो क्या होगा, 4 कट जाएगा, 1/2 × 3 माइनस 2 कट जाएगा, कुछ हुआ क्या, कुछ जादू हो रहा है क्या, सारे कट जाएंगे। लास्ट टर्म इसका एनेट टर्म बताओ भाई कीर्ति, एनेट टर्म क्या होगा इस केस में, 1/n n+1 n+2 एनेट टर्म है, दिख रहा है बोर्ड, है ना, तो यहाँ पे एनेट टर्म क्या आएगा, बोलो 1/n × n+1 × n+2 को कैसे करोगे एडजस्ट, 1/n n+1 × n+2 × यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सा है, देखो डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में है तो हम लोग अगला माइनस पिछला कर रहे हैं, और जब डिनोमिनेटर में है तो लास्ट माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, n प्लस टू कट जाएगा, क्या आएगा बोलो, n × n+1 - n कट जाएगा, क्या आएगा बोलो, n+1 × n+2। अरे क्लियर है क्या, यस सर, यस सर, क्या हो जाएगा, बताओ कुछ हुआ क्या, कट गया, क्या आ गया आंसर, 1/2 हाँ बोलो आंसर कितना आ गया, SN = 1/2 - n+1 × अरे बोलो, हाँ सर समझे, यस सर, यस सर समझा, ट्रिक समझ में आई, ट्रिक क्या सॉल्व करने की, यस सर, क्या ट्रिक है,
लास्ट माइनस फर्स्ट करके एडजस्ट करना है. क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है. कॉपी करो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो, देखो देख कर पाते हो क्या. यस सर. कितना है आंसर सर? सर हाफ इनटू सर बोलो सबको करने दो. ओके सर. अरे हुआ नहीं हुआ अभी तक? दो मिनट. हो गया सर. कितना है आंसर? n plus 1 half into 1 minus 1 by 2 n plus half into
क्या बोल रहे हो सब लोग यार? सर 1/2n+1 ये आंसर। यस सर, आंसर यही आया। सॉल्व करो। अच्छा सुनो, एक चीज सुनो। हेलो। अच्छा इसी वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में ही अगर एस इन्फिनिटी निकालना होता तो क्या होता बताओ? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? एन बहुत बड़ा। यस सर। तो एन बहुत बड़ा तो ये वैल्यू कितनी हो जाती? बहुत बड़ी हो जाती। तो क्या हो जाता? 1 - approximately 0 क्या आता आंसर? हाफ। ये क्लियर है क्या? यस सर। तो कॉपी कर लो उसको और दोनों क्वेश्चन में एस एन और एस इन्फिनिटी सॉल्व करें। सर इसको पहले वाले क्वेश्चन में मेरा 1/2n+3 आया। हाँ सर, मुझे भी 2n+3 आ रहा है। अच्छा क्या था क्वेश्चन बताओ? 1/1 × 3 1/1 × 3 ठीक है। तो इसका नेट टर्म क्या होगा? 1/2n-1 × 2n+1 तो स्प्लिटिंग जो होगी इसकी वो होगी 2n-1 - 2n+1। नहीं तुम लोग गलत है, 1+1 ही आ रहा है। हाँ सर बोलो।
अरे कितना आया पहले का आंसर? सर 1/3 सर बोलो ये नहीं नहीं कोई कर रहे हैं ना करने दो ओके सर सर पहला वाला हो गया कितना है आंसर पहले का 1/3 × 1/6 सर आप लिख रहे हैं पहले का आंसर ऐसा आया है हाँ सर क्या है बताओ 1/3 हाँ इनटू ब्रैकेट में n into नहीं आया होगा ये आया कि n plus 1 क्या आया बताओ सर मुझे तो n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री आया मुझे भी आना चाहिए मेरे ख्याल से यही आना चाहिए सर यही आंसर आता है सेकंड का बताओ हाँ सर सॉरी सर वो गलती कर दी 1/4 × 1/3 हाँ 1/3 हाँ माइनस यहाँ बताओ 2n + 1 × 2n + 3 मेरे ख्याल से ये आंसर है भाई अरे क्लियर है क्या हाँ सर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे इस पे फिलहाल नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क मालूम है ना स्टेट बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर टू और थ्री और एनसीईआरटी का सीक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर ठीक है यस चलो बाय बाय